हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है सीटेट को मिली जेटेट के बराबर मान्यता। अब है झारखंड में सीटेट शिक्षक नियुक्ति में जो है सीटेट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो आई है मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रही हूँ इसी वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, अभी तक पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और उससे अभी चैनल पर बेल आइकन फॉलो से अपडेट। तो देखिए, तैयारी चल रही है कि सीटेट पास को भी झारखंड में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। यानी कि जो झारखंड में शिक्षक की नियुक्ति आने वाली है हमारे 26,000, उसमें जो है सीटेट पास कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। चलिए बताते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो बताया जाता है कि झारखंड में होने वाली शिक्षकों की नई नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पास अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा। बताया जाता है कि यह लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो झारखंड के रहने वाले होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसका प्रावधान करने जा रही है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने को तैयारी है। यानी कि देखिए, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की जो विज्ञापन जारी होने वाली है उसमें जितने भी सीटेट पास कैंडिडेट जो झारखंड के ही रहने वाले हों उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनको जो है वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि राज्य के टेट पास अभ्यर्थी ही अब तक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य होते थे। सरकार झारखंड में रहने वाले वैसे लोग जो सीटेट पास है उन्हें भी सीटेट पास अभ्यर्थी के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में मौका देने का फैसला कर रही है। सरकार यह निर्णय स्कूल में विज्ञान गणित अंग्रेजी के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी के नहीं मिलने की वजह से, यानी कि मैथ इंग्लिश साइंस अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहां पे टीचर नहीं मिलने के कारण यहां पे सीटेट को मान्यता दे रही है और स्कूल में पढ़ाई अच्छा हो इस वजह से। सरकार को उम्मीद है कि सीटेट के अभ्यर्थी को भी मौका देने से ज्यादा अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे। तो देखिए, फाइनली जो है झारखंड में जेटेट के बराबर सीटेट को मान्यता इसलिए दी है यानी कि झारखंड की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में उन लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो झारखंड से ही रहने वाले हो और सीटेट पास हो, इस वजह से क्योंकि सब्जेक्ट के टीचर वहां पे कम मिल रहे हैं, इस वजह से सीटेट पास अभ्यर्थी को मौका दिया जा रहा है। और बताया जाता है कि हर माह में होती है सीटेट साल में 2 बार होती है और इसके प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल रहती है। वही राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हर साल होनी है वो राज्य सरकार ने नई नियमावली को मंगलवार को ही दी मंजूरी। अब राज्य में 2013-2016 में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता भी पहले 5 साल थी लेकिन उसे बढ़ाकर अब जो है 7 साल कर दिया गया है। तो देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन तो अच्छी आई है लेकिन जब तक जेटेट कंडक्ट नहीं कराया जाना चाहिए इस नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सीटेट पास कैंडिडेट को मौका मिला गया है। हालांकि कुछ हद तक सरकार ने अच्छा फैसला लिया है लेकिन उसमें भी सरकार के ही जो है अपना फायदा है, वहां पे टीचर नहीं मिल रहे थे इस वजह से। अगर टीचर उसको मिल जाते तो यहाँ पे सीटेट को मान्यता नहीं देती। तो चलिए, काफी हद तक कुछ तो सुधार आया है। अब जेटेट जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराए और शिक्षक की भर्ती जल्दी से निकाल दे। तो आपका ओपिनियन क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब से बेल आइकन फॉलो से अपडेट, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज झारखंड में जितने भी शिक्षक की नियुक्तियां आती हैं, अपडेट आती हैं, मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराती हूं बिकॉज ये ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको देती हूं, कोई भी फेक न्यूज नहीं देती हूं। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराती हूँ।